हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बोट एक्सटेंड। कम से कम मुझे इसे यूज़ करते हुए 1 साल होने वाला है, लेकिन इसे ख़रीदना नहीं चाहिए आज के टाइम पर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो इसी वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहना। स्टार्ट करते हैं क्या क्या इसमें बढ़िया फीचर्स थे। जैसे कि इसका जो सेंसर है बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मिलता है हमें, मैंने यहाँ पे चेक भी करे थे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो बहुत नेक टू नेक कंपटीशन था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। सेंसर, SPO2, हार्ट रेट, सारी चीज़ मिल जाती है हमें इसके अंदर। 5 ATM का भी वाटर प्रूफ है, तो पानी में भी मैंने पानी में डाला था और टेस्ट किया था, वहाँ भी मुझे कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली अभी तक। बिल्कुल कंडीशन इसकी न्यू की तरह है, आप देख सकते हैं, देखो कहीं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सब चीज़ सही है। और मैंने इसे ख़रीदा था 2200 रुपये में, मैंने सेल में ख़रीदा था, अभी शायद से इसका प्राइस 2600 रुपये चल रहा है। लेकिन अब मैं इसलिए कह रहा हूँ इसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसकी जो UI है ना बहुत ज़्यादा लैगी है गाइस, जो कि मुझे बहुत परेशानी बोल सकते हो कर दिया है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, चाहे तो ये देख रहे हो आप कितना ज़्यादा लैग कर रहा है। ये देखो मैंने ऊपर किया, देखो अभी ऊपर नहीं हुआ, देखो अब नीचे किया, अब देखने कितने धीरे से आएगा, ये देख रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा लैग करता है UI, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। और आज के टाइम पे जितने स्मार्ट वॉच आ रहे हैं उनकी जो UI है बहुत बढ़िया काम करती है एज़ कम्पेयर टू बोट एक्सटेंड। तो अगर आप अभी लेने की सोच रहे हो ये वाली वॉच, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल मत लेना, क्योंकि मेरे ख्याल से वर्थ नहीं है अभी। अभी अगर आपका रेंज 2500 रुपये है, तो आप नॉइस कलर फिट कैलिबर चेक कर सकते हैं, रियलमी वॉच S100 चेक कर सकते हैं, ये दोनों वॉच बहुत बढ़िया मिल जाती है। और एक और है डीजो वॉच 2 स्पोर्ट्स, वो भी बहुत बढ़िया काम करती है। तो मैं ये बोलूँगा आज के टाइम पे 2022 में इसे स्किप करना ही बेटर ऑप्शन है आप सभी के लिए, बाकी 1 साल पहले तो ये बेस्ट वॉच थी। तो यही थी वीडियो गाइज, अगर आपके कुछ भी कमेंट हो बोट एक्सटेंड से रिलेटेड तो पूछ सकते हो। बाकी इसमें जैसे आप बोलोगे कि अपडेट वगैरह कर लो इसे, तो अपडेट आए थे और मैंने उसे यूज़ करा, अपडेट भी कर रखा है इसे, लेकिन फिर भी इसके जो UI लैग होता है वो अभी भी कंटिन्यूस है, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो बस यही थी वीडियो गाइज, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।